बाबर आजम की क्या है मैं बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान के लिए बाबर आजम एक सॉलिड डिपेंडेबल यंग प्लेयर है, बिल्कुल हाँ। और इन्होंने ये दिखाया है कि मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, इनके पास गेम है, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, शॉट भी खेल लेते हैं, डिफेंस भी है। बाबर की बैटिंग बड़े ध्यान से देखी है। बाबर ऑस्ट्रेलिया गए थे जब आज से 2 साल पहले, उन्होंने 100 और 90 बनाया था, बहुत शानदार बैटिंग की थी, बहुत शानदार बैटिंग। महान प्लेयर वही है, महान जो कहते हैं गुड प्लेयर, ग्रेट प्लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, बट कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं, और बाबर आजम के पांव बहुत अच्छे दिखे अभी तक। यंग, स्मार्ट, चार्मर, स्टार बनने की जितनी भी क्वालिटी उनमें होती हो सकती है वो सब कुछ है। एक्स फैक्टर भी है, हिज गुड लुकिंग एज वेल, जो एक स्टार बनने के लिए आपको चाहिए होता है। हिज ए लवली स्ट्रोक प्लेयर, उनके रिकॉर्ड कई जगहों पे काफी बहुत अच्छे हैं। अब वो भी मौके मिले हैं बाबर आजम को, उसमें उन्होंने दिखाया है, बताया है, जताया, कोई भी उनमें वो सब कुछ है जो एक स्टार बनने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अभी वो स्टार इन मेकिंग है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े स्टार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल उतने बड़े स्टार हैं नहीं, उनके लिए बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिहाज से क्या वो उतने बड़े स्टार हैं? आई थिंक उनको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए खुद को बहुत कुछ साबित करना है। अभी बाबर आजम, मैं भी वही कहूंगा, प्लेयर अच्छे हैं। मैंने कल रात को एक ट्वीट भी किया, गुड प्लेयर, गुड प्लेयर, लेकिन जो जल्दबाजी पाकिस्तान से होनी शुरू हो गई ना, बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कहा। महान प्लेयर वही है, महान जो कहते हैं गुड प्लेयर, ग्रेट प्लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, बट वो किसी स्टेज पे उनकी बैटिंग में वो इंटिमिडेशन नहीं होती, वो इतने थ्रेटनिंग नहीं दिखते कि मैच बदल देंगे। पहला मैच वो हारे और अनफॉर्चुनेटली बाबर उसमें 0 पे आउट हो गए। अब 0 पे तो यार कोई भी आउट हो सकता है ना, विराट भी, स्टीव स्मिथ भी, रोहित शर्मा, कोई भी आउट हो सकता है। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हटा दो बाबर आजम, तो निकम्मा प्लेयर। तो बाबर के लिए, बाबर ने उस दिन जो बोल दी एक बात, उन्होंने कहा कि मैंने ड्रेसिंग रूम में बात की है प्लेयरों से, उनको समझाया, उनको कहा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जो उन्होंने बोला था वो ऐसे पेश किया गया वहां पे, ऐसा लगा जैसे इन्होंने कुछ जुर्म कर दिया है। अब वो हारेंगे ना, उनकी इतनी तंकीद होगी, इतनी उनका क्रिटिसिज्म होगा कि आप ये लोग कहना शुरू कर देंगे हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ। ये कह रहा हूं, वो अच्छे प्लेयर है, पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर है, लेकिन एक प्लेयर का इम्तिहान कहां पर होता है? एक इम्तिहान होता है आपका कि आप